इंडियन न्यूज सच की तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खराई कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां शेखपुरा स्थित फायजा ट्रेनिंग सेंटर पर 3 दिवसीय अगरबत्ती का बनाने का प्रशिक्षण हुआ चालू। कन्नौज शहर के मोहल्ला शेखपुरा स्थित फायजा ट्रेनिंग सेंटर पर सोमवार से कौशल विकास के तहत 3 दिवसीय अगरबत्ती प्रशिक्षण शुरू हुआ। सेंटर में मौजूद महिलाओं को सेंटर की ट्रेनिंग द्वारा अगरबत्ती का प्रशिक्षण दिया गया। सेंटर की संचालिका फायजा ने बताया कि सेंटर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 दिवसीय अगरबत्ती प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन पैसा कमा सकती हैं। कन्नौज से संवाददाता शिबू सैनी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। आज यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? यहाँ पर अभी अगरबत्ती की ट्रेनिंग चल रही है 3 दिन की, कौशल विकास के तहत, जो कि बच्चों को रोज़गार प्रोवाइड कराएगी और जो अपना इसमें इंटरेस्टेड है वो अपना अगरबत्ती बना के अपना घर चला सकते हैं। 3 दिन का है यहाँ पे, जो कि देख रहे हैं आप बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम आपका है? मेरा नाम फायजा। ये कहाँ पर चल रहा है? ये शेखपुरे में चल रहा है। कानपुर से हमारे संवाददाता सैयद जीशान अली ने बताया कि वार्ड नंबर 83 दलेलपुरवा के सांसद राशिद आरफी को जनता ने सम्मानित किया, क्योंकि राशिद आरफी ने क्षेत्र में वार्ड में प्रशंसनीय कार्य किया था। उनकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए जनता ने आज फूलमालाओं से उन्हें लाद कर सम्मानित किया। आइए जानते हैं वार्ड की जनता उनके विषय में क्या कुछ कहना चाहती है और राशिद आरफी ने क्या कुछ कहा। तस्वीरों से साफ हो जा रहा है कहीं ना कहीं राशिद आरफी ने लोगों के अंतरात्मा में अपनी जगह बनाई, लोगों को खुश किया, इसीलिए इस तरह से उनका नागरिक अभिनंदन हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पार्षद राशिद आरफी। वार्ड 83 से जो आप के बीच में जनता ने जो आपका स्वागत किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब हमारी जनता तो पूरा देश है, लेकिन ये हमारे सब भाई भतीजे भांजे चचा और पिता समान लोग हैं। ये तो हमारा परिवार है, हम खड़े हुए हैं और ये सम्मान कोई पहली बार तो जनी पूरे में। ये सम्मान 3 साल पहले भी दे चुके थे, ये सम्मान बीच बीच में देते रहते हैं और आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम था, इन लोगों ने रखा, भाई लोगों ने मेरे, और ये हमारी खुशनसीबी है कि क्षेत्र की जनता ने हमको इस लायक समझा कि सम्मान दिया। यहाँ पे भी आपने बीच में कई रोटों का शिलान्यासन किया है, कई रोटें आपने बनवाई हैं, इसके बारे में आप कहने क्या चाहते हैं? यहाँ पे आए दिन जो है सीपर को लेकर के, पानी को लेकर के जो दिक्कतें हुआ करती थी, क्या आपने इसका समाधान किया है? देखिए, ये बात सही है कि जब मैं पार्षद हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जटिल समस्या थी तो यहाँ सीवरेज की थी। इतनी समस्या थी कि रोज मेरे पास 20 से 25 कंप्लेन आती थी, लेकिन आज आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से 80% सीवर की समस्या को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे चले गई है। आज एक दो छोटे मोटे घटनाएं होती हैं, वो काम तत्काल प्रभावित हो जाता है। और दूसरी बात रोड की, देखिए हमारे वहाँ केस्को द्वारा रोड की खुदाई करी गई, केबल डाले गए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे क्षेत्र को खोद दिया गया और समस्याएं ज़्यादा हो गई। वाटर लाइन टूट गई, सीवर लाइन टूट गई, चैम्बर टूट गए। अब प्रयास कर रहे हैं, माननीय योगी जी की सरकार है, पूरा सहयोग है सरकार का, और क्योंकि मैं सत्ता का पार्षद हूँ और बस उनके आशीर्वाद से, सरकार के और आप लोग के आशीर्वाद से काम हो रहा है। तो क्या पिछले आपकी जो 5 साल आप रहे हो, इसके बाद आप क्या विचार करें हैं चुनाव लड़ने? भाई हर विधायक, हर सांसद, हर पार्षद चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, अगली बार इससे अबकी से ज़्यादा मतों से जीत कर रहा हूं। तो मेरा भी एक प्रयास है कि मैं काम कर रहा हूं और ये निर्णय जनता का है, ये वक्त आने पर जनता निर्णय करेगी।